भारत बंद करके लेकर के, तो यहाँ पे जो दर्शक आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी जो देख रहे हैं कि रोड पर खाना खा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग के बता देना चाहता हूँ कि मैं मजबूर नहीं, मजबूत हूँ। और सरकार को मैं आज चेतावनी देता हूँ कि तो आज टेलर है, अगर सुप्रीम कोर्ट में और तुरंत सदन को संसद में सत्र लाकर अगर उस मेरे आरक्षण को नौवीं अनुसूची में नहीं डाला जाता है तो मैं तमाम सरकार को चेतावनी देता हूं कि तो आज ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कब तक फिल्म चलते रहेगा? सर आप ये इस बात को समझिए कि हम जिनको अपने मत, अपनी बहू बेटी का इज्जत तक मैं समझिए वोट दे रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा का अपना कीमत दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग में ही दिक्कत है कि हमारे समाज लोग दारू मुर्गा में बिक के कैसे आदमी का चुनाव कर दे रहे हैं, जिनकी वजह से मेरा आरक्षण का हक, जैसे आप जीता रामान जी इमामगंज के वर्तमान विधायक थे, अभी सांसद बन गए, इनको हम लोगों ने वोट देकर और संसद तक भेजने का काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे ही साथ छल करने का प्रयास किया। मैं मांझी जी को चेतावनी देता हूँ कि अगर आप ज़्यादा आप में बेटेती है तो मांझी जी जिस संगठन और हम के अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप अपने पार्टी से कितने मांझी को आप शिक्षित कर रहे हैं, कितने मांझी को विधायक बनाए हैं, कितने मांझी को आप नौकरी दिए हैं, इस बात को भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त। कई वजह से यहाँ पर रोड को जाम किए हुए हैं आप लोग? सर मैं SDO का परमिशन लेके सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद है। सुबह 6 बजे से बंद है। अगर नहीं आप लोगों की मांग पूरी होगी तब कब तक आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन? बाबा साहब का एक कथन था कि जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़कें सुनी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अब संसद से हम लोग शुरू सड़क से हम लोग शुरू किए हैं, संसद में भी सीट बजाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं संभली तो मैं बांग्लादेश बनाने का भी प्रयास करूंगा, भारत को इस बात की चेतावनी देता हूँ। बांग्लादेश आप बना देंगे? बिल्कुल। कैसे? यहाँ की सरकार को हम लोग भगाने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि आप समझिए मेरे पास अगर 100 रोटी है तो 100 लोगों को मैंने देने का अधिकार है, लेकिन भारत का जो सुविधा है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं और 90 लोग 10 रोटी खा रहे हैं। आप बताइए उस अखाधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, मेरे भविष्य के साथ क्या सरकार खिलवाड़ कर रहा। उसके बाद भी बाबा साहब जो आरक्षण दिए थे, जो सभी वर्गों को आरक्षण दिए थे, उसमें भी SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी, और मूल निवासी के साथ ही क्यों सरकार खिलवाड़ करना चाहती है। इस मानवादी सरकार को मैं इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ आप अकेला हैं या आपके साथ में लोग हैं? मेरे साथ 1000 समर्थक हैं। आज पूरा बाकर बंद है? पूरा बाकर बंद है। बिल्कुल। क्या भारत भी बंद है? बिल्कुल, पूरा भारत बंद है सर। अच्छा, आज सर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आज घर छोड़ करके आप सड़कों पे खाना खा रहे हैं, ऐसे लोगों के क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिखाना नहीं चाहते हैं, हम सुबह से बंदी में थे और बंदी आज को आप समाप्त हो रहा है, समझे कि नहीं? बंदी आप समाप्त हो रहा है, कहाँ की गाड़ी, उसको पहले हटाइए, समझे कि नहीं? और मैं भूख लगल था, इसलिए मैं लीड कर रहा हूँ। पहले बात समझिए कि मैं आंदोलन को लीड कर रहा हूँ, मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का अनुमंडल अध्यक्ष हूँ। अगर हम घर खाना खाने चल जाएंगे तो मेरे लोग भी चल जाएंगे। इतने लोग, सारे लोग ने सड़कों पर नहीं खा रहे, आप अकेला क्यों खा रहे हैं? इसलिए मैं खा रहा हूँ कि मैं अगर घर चल जाऊँ खाना खाने के लिए तो मेरा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लोग उतना शिक्षित नहीं है, इसलिए लोग भी चल जाएंगे। बात को समझिए, तो कब तक खाना खाते रहेंगे? लोगों को भी खिलाएंगे कि अकेला खाते रहेंगे? आप भी खाइए। अच्छा, हम भी खाएं। राम बाबू कहाँ जा रहे हैं? राम बाबू देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन के टीम भी थोड़ा उस तरफ दिखाइएगा। क्या सर लगता है कि ये जो कहीं सड़कों पे जगह जगह पे जो रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे लोगों का नुकसान होता है कि नहीं? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं। तो आप लोग क्या मतलब क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो प्रशासनिक हैं। जैसे दर्शक लोग के जो यात्री लोग हैं तो उनका बहुत दिक्कत होता है सर। दिक्कत तो हो ही रही है, बंदी है तो सब हम इस जी तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन के गाड़ी को बस से खाली पार किया जा रहा है और यहाँ पे काफी लोग है। एक भैया से जानने का प्रयास करता हूँ कि बाबा साहेब का झंडा लेकर के क्या नाम है चाचा? हमारा फकीरचंद दास में नाम है। फकीरचंद दास जी, ये क्या पहने हुए हैं? बाबा साहब को टोपी पहने हुए हैं।
तो क्या मतलब क्या आप लोग चाहते हैं? मांगना है कि भाई हमारा कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, करते हैं, हमारा कम से कम हम लोग को भी चाहिए जो मांग है वो मिलना चाहिए जी। क्या लक्षण था जो संविधान में पारित किए थे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वो जजों के द्वारा वो हम लोग का हक और अधिकार को छीना जा रहा है, उसी को लेकर के आज 21 अगस्त को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। 21 अगस्त को आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या लगता है कि आप लोग के ये भीड़ सड़कों पे उतरने से जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आप लोग के बात मानेंगे कभी? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम लोग का नहीं अधिकार मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे और लड़ाई करते रहेंगे। कब तक सड़कों पे सोएगा बैठिएगा? जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर ही रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग चलेंगे, आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठाएंगे। तो क्या लगता है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया महोदय आपके माध्यम से या दूसरा चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अब जो सरकार के एक बयान भी आया है कि शायद लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा ये कर दिए, गलत कर दिए, तो क्या डिसीजन अब सही होगा? होगा, बिल्कुल होगा, उसके लिए उपाय है। सरकार अगर चाहेगी, जजों के द्वारा चाहा जाएगा तो 9वीं सूची में जोड़ा जाएगा हम लोग का, जो अधिकार जो हटाया गया है उस चीज़ के पुनः जोड़ा जाएगा, और जो आरक्षण मिल रहा है वो पूर्ण रूप से मिलेगा। जो बिल्कुल मिलेगा जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना युवक लोग के सड़कों पे उतरे हुए हैं। एक बुजुर्ग चाचा है, कहा चाचा सड़क पे रहे में अच्छा लग रहा है? सड़क पे जैसे आरक्षण के हम लोग हटाया है, वो आरक्षण हम लोग को दे देगा तो फिर सड़क भी छूट जाएगी, मानी जो नहीं मिलेगा तो सड़क पर रहना ही है। कब तक रहिएगा? जब तक नहीं देगा तब तक रहेगा। अच्छा, उससे आप लोग का दिक्कत क्या है? दिक्कत बहुत कुछ है। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, आप ये समझिएगा, बहुत दिक्कत है। हाँ, बेटिये बहू पढ़ने जाता उस पर लाइन मार रहा, उस पर आगे दिखा रहा, उस पर कोई लेके, उसके लिए कानून है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, कुछ नहीं, कोई सुनता है? कचहरी में जाते हैं, थाना कोर्ट कचहरी सब दिल्ली बम्बई तक घूर के चलाए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं है। चलिए ये देखिए, कहीं ना कहीं मेरे भारत का कानून व्यवस्था है ये, इस पे भी सरकार के थोड़ा सा केयर करना चाहे कि जिसके प्रति अगर कोई शोषण किया जाता है उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी उसको सजा करें, तब इन लोगों का जो सड़कों पे उतरे हैं खुश रहे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सुजिंदर कुमार है। ये झंडा लेकर के सड़क पे क्यों आए हैं? क्यों, हम लोग को मजबूरी है। क्या मजबूरी आ गया? क्यों, हम लोग को जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। छीना जा रहा है? क्या छीना जा रहा है अधिकार? क्या हमारा संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है? संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है? तो क्या सिर्फ खाली, क्या मतलब आप ही लोग के लिए है ये, सबके लिए है ये? सबको लिए है, सबके मैंने दिक्कत है संविधान को छेड़ने से। और क्या जी? क्या सर? SC ST को, SC ST का उसमें दिक्कत है जी? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि SC ST में ही सिर्फ गरीब हैं, OBC में भी बहुत से ऐसे पुअर फैमिली से आते हैं ना। अगर बात आप समझिए, कांग्रेस मैं सरकार, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस बात को आपको पता है, और भारत का संविधान दुनिया के देशों के संविधानों से सबसे सुंदर संविधान है। आप लोग का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और सड़कों पे उतरने से लोगों की कितना परेशानियां भी होता है वो भी अपना राय जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।